सो हेलो एंड वेलकम पीपल, दिस इज़ आंजनेय एस रॉय और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। इस वक्त हमारे साथ हैं बिग बॉस घर की पूरी चहल पहल हमारे साथ हैं अर्चना गौतम। कैसा कुछ लग रहा है घर से बाहर निकल के, कितनी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे लाइफ को जीने में और सब कुछ मतलब चटक पटक लग रहा है मुझे यहाँ पे बाहर आके। लाइम लाइट लग रही है। अपनी इंग्लिश की वजह से बहुत ज़्यादा ही आप बाहर एकदम ट्रेंडिंग हो गई हैं, आपकी भाषा में कहें तो। वैसे घर के अंदर से बाहर निकलने के बाद आपको एक जो चीज़ पता चली उसके बारे में बात करेंगे हम। पीआर तो आपको नहीं मिला जब तक आप घर में थी, लेकिन पीआर बहुत सारा मिला, तो क्या लग रहा है पीआर अगर मिलता तो कुछ चीज़ें अलग रहती हैं अभी इस वक्त? तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद मेरा पीआर रहता तो जो चीज़ें मैं मतलब जो फोर्थ पोजीशन पे मैं आई हूँ तो वो नहीं आती थी, क्योंकि मैं पहले से समझ के जाती थी गेम में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस चीज़ पे मैं काम करती थी, तो मे बी मैं विनर मटेरियल थी और हूँ, तो मे बी शायद मैं विनर बन जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे जाने से पहले, मुझे थोड़ा समझ लेना चाहिए था कि क्या करना चाहिए वहाँ पे, तो ये गलती थोड़ी सी होगी मुझसे। अच्छा, घर से निकलने के बाद फारा खान की पार्टी में आप जहाँ पहुँची, जहाँ पे आपके कुछ ट्रोलर्स ने एक पिक उठा के CNG वाली कार पे उसने इतना आपको बोल दिया, तो आप उनको कुछ जस्टिफिकेशन देना चाहें उस चीज़ पे, आखिर क्या सब पता है? होता है ना, जब बाहर निकलते तो 1% आप भूल जाते हो कि मतलब मुझे पहला ही मेरी पार्टी वही थी, तो मैं 1% भूल गई कि मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। तो मेरे भाई ने, मैंने कहा गाड़ी ला दे, तो मेरे भाई ने वो बुक कर दी, वो भी आज तक मिनी की थी, पता नहीं कौन सी की थी, तो जो आई गाड़ी में उसमें बैठ गई और जल्दी जल्दी में था। फिर जब बाहर आई और मीडिया वालों ने किया, ओ माय गॉड, कभी कभी ऐसा इंसल्ट सी फील हो रही थी, बट ठीक है ना, अभी देखो आई हूँ निकली हूँ, गाड़ी लेने में घर लेने में थोड़ा टाइम तो लगता है, देख रही हूँ, बट जल्दी मैं गाड़ी ले लूँगी। वो तो रही गाड़ी की बात, अगर बात करें अर्चना, बहुत ही शिद्दत से आपने बिग बॉस 16 की ट्रॉफी को चाहा है और हम मानते हैं कि वो आप तक नहीं पहुँची, लेकिन अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या कारण थे, अगर 3 कारण आपको बताना चाहें जिसके वजह से आप वो उस मुकाम तक जाकर नहीं आ पाई, तो अगर क्या वो चीज़ें रहेंगी? मैं जो गेम खेली हूँ मैं दिल से खेली हूँ, अगर मैं दिल के साथ दिमाग यूज़ करती तो शायद मैं वहाँ तक पहुँच जाती। और दूसरी चीज़ मेरा ये था कि मुझे जाने से पहले 2-3 सीज़न देखने चाहिए थे बिग बॉस के, और हाँ जैसे बाकी लोग देखते आए थे। और तीसरी चीज़ ये थी कि मुझे जाने से पहले एक PR कर लेना चाहिए था, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे इन लोगों से मिलना चाहिए था जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, जो लोग मुझे बता सके कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट यहाँ पे मेरा कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं था जिससे मैं पूछ सकूँ क्या था। तो ये 3 गलती मेरी हो गई जो मैंने नहीं करके गई। वो कौन लोग थे जिन लोगों ने इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया और उनका काम बन गया? शालिन भनोट, चीना, हाँ, और शिव, हाँ, क्योंकि वो शिव इसलिए बोल रही हूँ उसको एक्सपीरियंस था। तो ऑफ कोर्स अभी मैंने बिग बॉस कर लिया, मुझे सब समझ में आ गया गेम क्या है क्या नहीं, तो मैं नेक्स्ट में जाऊँगी तो देखो तहलका मचा दूँगी मैं। हर चीज़ थी मुझ में, कॉमेडी मैं करती थी, हंसाती मैं थी, रुलाती मैं थी, उंगली मैं करती थी, मुद्दे मेरे थे, और ऐसा नहीं था कोई भी फेक मुद्दा था, हर चीज़ मैं सही बोलती थी, बट वो लोग मुझे झूठा साबित करते थे, बट मुझे बाद में आके पता चला कि नहीं मैं सही थी, आप भले ही वो लोग बोलते थे बट हम आप पे यकीन करते क्योंकि आपके मुद्दे सही होते थे। MP मिला आपको अभी तक? कितने घर से कितने सारे अप्रोचेज आए हैं? अभी तक तो कोई अप्रोच नहीं आया, और बट मैंने सोचा गुलाब बहुत मिले, सब लोगों ने मुझे दिया। और दूसरी चीज़, मैंने अभी थोड़ा सा MP को और पॉलिटिक्स को थोड़ा सा मैंने किया कि थोड़ा सा मैं कुछ वक्त लेती हूँ, मुझे इंडस्ट्री में पहले अपना नाम कमाना है, क्योंकि मुझे जनता ने इंडस्ट्री में ही पसंद किया है, एंटरटेनमेंट में ही पसंद किया है, तो मुझे लगता है पहले मुझे उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अच्छा अर्चना, बात करें उसके अलावा थोड़ा सा, ये बिग बॉस का जो पूरा इंटायर एक जर्नी रही, इसमें आखिरी आते आते टाइम तक जो भी top 5 थे सबको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिला। शालिन भरत को एक्टिंग करते करते उनका बेकाबू मिला, और प्रियंका इज़ ऑल्सो गॉट अ शो, उनके भी बातें चल रही हैं शाहरुख के साथ, सलमान के साथ मूवी, ऐसा बस बना हुआ है, अभी तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया उनके साइड से, बट या देर इज़ अ बस। शिव खतरों कर रहे हैं, आपके भी नाम चल रहा है खतरों के लिए, क्या ऐसा कुछ है खतरों? पता नहीं, देखो रोहित शेट्टी सर बुलाएंगे तो ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी, क्योंकि कुछ अलग करने को मिलेगा। जैसे ठंडे पानी से मैं बहुत डरती हूँ, तो वो मैं मुझे था एक कि ठंडे पानी से मुझे फीवर हो जाता है, बट नहीं हुआ, तो अच्छा है मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनूंगी और ज़्यादा।
और अर्चना, जाते जाते अपने फैंस को आप कुछ मैसेज बोल देना चाहें, क्या कुछ चीज़ें और आने वाले आप कहाँ कहाँ आपको देख पाएंगे आपके फैंस, और क्या क्या चीज़ें लाइनअप में हैं? मैं थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहती हूँ कि थैंक यू सो मच, एंड इसी तरह से प्यार करते रहना, मैं आपके हमेशा साथ रहूँगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच अर्चना। सो दिस वॉज अर्चना गौतम और आप देख रहे थे फिल्म विंडो, टीवी विंडो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।